ये देखो यहाँ कहीं साउंड है नीचे की तरफ, थोड़ा सा ज्यादा ही टफ आ गया ये रास्ता। मैं जा रहा हूँ नीचे, देख लो पंजाबी मुंडे किदा। और रोड देखो कितने खतरनाक है ये वाले कट पे, इनके दांत आज भी पड़े हैं। ये दूर से तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई मूनलैंड हो। हे गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पू। कल बहुत लेट तक जाके ये जगह मिली थी, कल मैं अच्छी जगह आपको ढंग से नहीं दिखा पाया। जहाँ कुछ ज्यादा बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल थे नहीं भाई, तो हमने ना यही जगह चूज कर ली रुकने के लिए। नीचे के साइड में रिवर व्यू है और उधर भी रिवर है भाई, रिवर बह रही है और ये पहाड़ बहुत खूबसूरत है। तो अभी एक बार जा रहे हैं हम यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है, मे भी 7 बजे ओपन हो जाए, उसको एक बार देख के आ रहे हैं। अगर ओपन हो गया तो काम बन जाएगा, हर काम बनना इन द सेंस अगर हमें डीजल मिलता है तो वही यार बात बनेगी आज आगे जाने के लिए। ये वाली रोड है जिससे हम होके आए थे, देखो किस तरीके का इलाका ये, और वो ऊपर की तरफ स्नो माउंटेन है। अपना डीजल का जुगाड़ हो गया है, थोड़ा ब्लैक में हुआ है। यह पेट्रोल पंप वालों से बात हुई है, मैं अभी मॉर्निंग के 6:30 हुए हैं, काफी जल्दी जाके आया हूँ, तो एक बार चलते हैं डीजल डलवाते हैं गाड़ी में। तो इस पेट्रोल पंप से हमारा सारा काम बन गया, तेल वेल डल गया। अभी इसमें अच्छी खासी रेंज हो गई है, मुझे काफी खुशी मिली यार, कम से कम पहली बार ऐसा स्ट्रगल देखने को मिला। रात में सिर्फ 2 घंटे सोए थे टेंशन में कि पता नहीं सुबह डीजल डल पाएगा कि नहीं, आंखें भी सूजी हुई है, अंदाजा लगा सकते हो। तो अभी इसको लेके निकलेंगे, काजा तक पहुंचते हैं, वहां तो 2 दिन भी रुक सकते हैं हम, 2 दिन तो आराम से रुकेंगे, हमें जैसे भी करके नेक्स्ट तेल मिलेगा तो टैंक फुल करा के फिर हम मनाली भागेंगे। बाकी आगे साइकिल आ गई है, टाइम से टैंक फुल रखूंगा, एक्स्ट्रा फ्यूल रखूंगा, सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। और इसने भी टैंक फुल करा लिया अपना, क्या राय है तेरी? तो आप सभी को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कहीं भी आपको पेट्रोल पंप दिखे तो वहीं से डलवा लेना, आगे का मत सोचना। यहाँ पर तो पहाड़ों में किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है, तो पहले अपनी सेफ्टी खुद करके चले। जी जी, धन्यवाद। टाइम करीब 10 बजने को आ गए हैं, लेट तो हो गया बट निकलते हैं यहाँ से। और आज हमारा स्टे रहेगा काजा में, एंड फिर काजा एक्सप्लोर करेंगे 1-2 दिन वहीं रुक के, क्योंकि काजा काफी लंबा चौड़ा है। वैसे तो प्लान हो रहा है काजा टूर मनाली जाने का, वो रोड थोड़ा सा टफ है बट देखेंगे, जो भी पॉसिबल रहेगी चीजें करेंगे। गाड़ी रेडी हो चुकी है और देखो ये पपी कल से अपने पास है, हेलो, इसको छोड़ के जाने का टाइम आ गया। एंड इस जगह को भी, ये जगह पूरा मिलिट्री इलाका है तो ज्यादा यहाँ पे हमने शूट किया नहीं, और अभी पूरे रेडी हो गए हैं, जाने की तैयारी है। आज का प्लान है काजा रुकने का, काजा में उससे पहले जो भी रास्ते में जगह आएगी जैसे नागपो वगैरह वहाँ थोड़ा बहुत जाएंगे। ज्यादा कपड़े मैंने कैरी नहीं किए थे, आपको आप सोचोगे भाई ये डेली ये पहन रहा है, भाई नहीं, ऐसी मैं 2 टी-शर्ट सेम लेके आया, मुझे ब्लैक कपड़ों का बहुत शौक है। और ये अपनी गाड़ी खड़ी है, इस मॉन्स्टर को लेके चलते हैं आगे काजा के लिए, सुपर ऑसम परफॉर्मेंस है गाड़ी का। बाहर का नजारा आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत नजारा है, ये देखो पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं, बट कोई बात नहीं यार, चलता है इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे दोस्त अभी बहुत पीछे हैं, वो लोग अपनी बाइकों में तेल भी डलवाएंगे एक्स्ट्रा पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल तो यहाँ पे अवेलेबल बहुत है यार, बट डीजल अवेलेबल नहीं है और लोग ब्लैक में भेजना शुरू कर दिया, ये चीजें बड़ी गंदी हो जाती है, बट क्या ही कर सकते हैं। अभी हमारे बराबर में जो रिवर चल रही है ये है सतलज, और आगे रिवर आएगी वो होगी स्पीति रिवर, तो उन दोनों का संगम पॉइंट भी आएगा। तो ये चेक पोस्ट है, हम जब भी चल के आ रहे हैं थोड़ा सा बाहर, डबलिंग चेक पोस्ट। यहाँ पर थोड़ी बहुत डिटेल नोट करते हैं आपकी गाड़ी की, आप कहाँ से आए हो, आपके फोन नंबर, और बस थोड़ी बहुत, ज्यादा चीजें नहीं है। सर यहाँ से कितनी दूर बाद नेटवर्क चला जाएगा? काजा तक है नेटवर्क? अरे बहुत जियो का रहेगा, अरे फिर ठीक है, और भी बढ़िया फिर तो। चलो जी चलते हैं अभी यहाँ से, ज्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें आज पहुँचना है काजा, फिर वहीं चल के स्टे करेंगे 2-3 दिन और उसके बाद में मनाली काजा रूट रहेंगे। ऐसे माउंटेन रेंज देखने का मेरा बड़े टाइम से मन था, स्पीति आने का बड़े टाइम से मन था, बट कल रात मेरे को डीजल के लिए पू आना पड़ा और वो मेरा सक्सेसफुल भी रहा। चल कोई बात नहीं, रात गई बात गई, रात को चलो ठीक है लेट हो गई, एक लड़का वो साथ का था वो गिर गया, चलो ठीक है भाई जान बच गई, वो बड़ो जोर से आके ऐसी दीवार में टकराया था, थैंक गॉड कि उसने राइडिंग सूट पहना था तो उससे बड़ी मदद होगी। तो मैं बाकी राइडर लोगों को भी यही कहना चाहूँगा, मेरे राइडर साथियों को यह कहना चाहूँगा कि भाई पहाड़ों में आ रहे हो ना, एक तो संभल के चलाएं, दूसरा राइडिंग सूट अच्छी ब्रांड का पहन के आएं, कम से कम यार अच्छी ब्रांड हो जिनमें अच्छे लेवल के गार्ड हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम हैं अभी स्पीति नदी और सतलज नदी के संगम के पास में, और वो संगम आपको मैं अभी दिखाता हूँ। आप सामने देख रहे हो ये है स्पीति नदी, और जो इस तरफ देख रहे हो ये है सतलज नदी,
और सामने माउंटेन रेंज और भी खतरनाक हो जाएगी भाई। की हाइट देख के तो ऐसे लगता है अगर सिर पे कैप पहनी हो तो वो भी गिर जाएगी। अभी हमारी चढ़ाई शुरू हो जाएगी और उस तरीके की खूबसूरत वैली भाई, खूबसूरत जगह है। आप देख सकते हो दिखने में जितनी सुंदर है उतनी ही डेंजरस है। ये यहाँ पे कुछ शायद व्यू पॉइंट आ रहा है, कुछ अच्छा गाड़ी भी रुकी हुई है। देखो यार ये इस जगह हर चीज ब्यूटीफुल है, इधर हर जगह हर चीज ब्यूटीफुल है यहाँ, जो भी आप चीज देख रहे हो ना। एंड अभी थोड़ा थोड़ा हाइट भी शुरू हो रही है, मेरे को फील हो रहा है आई हैव वाटर बट आई डोंट हैव वार्म वाटर। भाई ये सामने का पहाड़ कितना ऊंचा है, सुपर डुपर हाइट है इनकी। सही बोला गया स्पीति की तरफ, आप जब भी आते हो ना इधर के माउंटेन रेंज बहुत ऊंची है। और ये देखो अलग से छत बनी हुई है जो मतलब ऐसे पहाड़ों को कैसे काट के रास्ते बनाए गए हैं। और अब हम जा रहे हैं हाइट की तरफ, जैसे जैसे हाइट की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा ऑक्सीजन लेवल भी लो होता जाएगा। एक्सट्रीम से खूबसूरत से वेदर के साथ अपनी थार खड़ी, आप देख सकते हो चारों तरफ माउंटेन रेंज कितनी शानदार लग रही है। ये कैमरा तो कभी जज नहीं कर पाएगा, मतलब सूखे पहाड़ आ गए हैं, बढ़िया लग रहा है। बस अभी उसी चीज का वेट है कि कब इन पे स्नो देखने को मिलेगी, तो शायद आगे चल के हमें वो चीजें भी देखने को मिल जाएगी। एक बार चाय नाश्ता करते हैं फिर आगे चलेंगे। ये देखिए कितनी शानदार लग रही है अपनी थार। भाई ये जो लद्दाख फ्लैग्स है ना, इनके साथ में कुछ अलग ही लुक आने लग जाता है होटल का। और यार ऐसी जगह ही मजा आता है यार, कम से कम मतलब बंदा ना होम स्टे की तरह अंदर जाए, किचन में घर की तरह फील करे। और भैया बना रहे हैं आलू प्याज का परोंठा, छोटी सी किचन है इन लोगों की, काफी खूबसूरत छोटा सा रेस्टोरेंट है। अभी करते हैं ब्रेकफास्ट कह सकते हो, लंच कह सकते हो, जो भी है। खाना पीना हो गया है और हम अभी निकल रहे हैं आगे, शायद नाको में जाके अभी ब्रेक लेंगे। वैसे सुमडो में थोड़ा सा देखेंगे, सुमडो नाको ताबो के बीच में ग्यू मॉनेस्ट्री भी आएगी शायद, वहां भी थोड़ा सा रुकेंगे। तो अभी अगला ब्रेक नाको में मैं सोच रहा हूँ वही लेते हैं और भगाते हैं अब गाड़ी फुल दबा के और पहुंचते, क्योंकि टाइम हो लिया है भाई अच्छा खासा। टाइम करीब 11:30 हो गए हैं, सबसे तो फिर आज लेट हो जाएंगे। अभी चले क्या है 15 किलोमीटर ही नहीं आए हैं, तो अभी भगाते हैं जितना भगा सकते हैं, क्योंकि रोड है मक्खन। जब रोड आएगी खराब तब तो भाई क्या ही कर सकते हैं, तब तो धीरे चलना ही पड़ेगा। गाड़ी में कई सारी साउंड आ रही है यार, आप देख सकते हो। ये अभी हम है इस जगह पे, इधर का नजारा आप देखो यार, क्या गजब लग रहा है, क्या ही गजब लग रहा है। और रोड देखो नीचे कैसे पत्थर आके गिरे हुए है, ये पूरे पहाड़ ऐसे टूटने वाले से ही है। गाड़ी में एक साउंड आ रही है यार, अगर आपको सुनाई दे रही है तो। ये देखो यहाँ कहीं साउंड है नीचे की तरफ, आई डोंट नो किस चीज का साउंड है। जगह देखो कितनी शानदार है भाई, मलिंग नाला, गाड़ी क्रॉस हो पाएगी कि नहीं अभी ये लोग बता देंगे। यहाँ एक टाइम में गाइस इतना ज्यादा आ जाए, एक टाइम में यहाँ पे इतना ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ करता था। ये देख सकते हैं मलिंग नाला नाम की जगह है ये, और उधर से सामने से आ ली है गाड़ी। हाँ खुद को बचा लो तुम लोग। तो ये है भाई, हम कर रहे हैं वाटर क्रॉस, ये जगह का नाम है मलिंग नाला भाई। ये ऊपर से पानी आता है यहाँ पे और नीचे की तरफ जाता है। पहले यहाँ हर टाइम सड़क टूटी रहती थी, लेकिन इन बीआरओ वर्कर्स को बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इतनी अच्छी रोड बनाई और इस नाले को मतलब काफी अच्छे से डेवलप कर दिया। नहीं तो भाई एक टाइम में ये इतना बुरा था। और ये देखो कितनी पतली वाली रोड आ गई है यार, बहुत ही पतली आ गई है और रोड आगे खराब है। हम चश्मे वश्मे निकाल देते हैं, आराम से ड्राइव करते हैं कुछ देर, थोड़ा सा ज्यादा ही टफ आ गया ये रास्ता। वेरी डेंजरस रोड बट बराबर में गाड़ी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बैंड बजलेगी भाई। और रोड देखो कितनी खतरनाक है ये वाले कट पे, वेरी डेंजरस, और बिल्कुल सिंगल हो गई है, यहाँ जाके शायद फिर से डबल हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे कट भी आते हैं इस रोड पे, थोड़ा सा संभल के ही चलें वो ज्यादा बेटर है। अब हम नीचे उतरेंगे क्योंकि इतनी देर हम पहाड़ के ऊपर चढ़े थे, अभी नीचे उतरने का वक्त आ गया है। इन लैंड ऑफ गामा डू नॉट बी गामा। और ये देखो रोडें कैसे बंद हुई पड़ी है भाई, कैसे कैसे देखो रोडें बंद हुई पड़ी है, ऊपर से देखो पत्थर कैसे स्लिप कर करके आए हुए हैं भाई, मतलब आधी आधी सड़कें बंद है। ये दूर से तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई मूनलैंड हो, जैसे कि लामायुरू में है, सेम उसी टाइप का अलग सा इसमें माउंटेन। और इसकी शेप देखो आप, बिल्कुल सेम टू सेम शेप है, कहीं कुछ अलग नहीं बन रहा है भाई, बहुत ही शानदार लग रहे हैं दूर से। और नीचे की साइड में आप ये आगे चल के देख सकते हैं, ये है स्पीति रिवर।
और यहाँ से ये देखिए वैली का डिजाइन ही चेंज हो रहा है, बहुत अच्छी रोड है हमें देखने को मिलेगी। और हवा बहुत तेज चल रही है, मैं जा रहा हूँ नीचे यहाँ नदी किनारे, हमने कुछ एक ड्रोन शॉट लिए, बैटरी बहुत लो थी यार, अभी बैटरी को चार्ज लगा के आया गाड़ी के अंदर, और हम हैं यहाँ पे रिवर किनारे, ये है स्पीति नदी, इसके बाद चलेंगे आगे, आगे है गियू मोनेस्ट्री, आगे यहाँ 500 साल पुरानी मम्मी रखी गई है जिसके याद भी दांत नाखून वगैरह बढ़ते हैं, ऐसी बातें बोली जाती है, देखते हैं एक बार जाके पता लग जाएगा। झूले आंटी झूले, ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से गाड़ी चली जाएगी, ठीक है। चाइना बॉर्डर बिल्कुल ही पास है, ये वाले माउंटेन के पास है, जस्ट इसको क्रॉस करते ही। और देखो वॉच में जो टाइम है वो लगभग 2:46 है, लेकिन आईफोन में टाइम 5:30 हो रहे हैं, इतना मतलब यहाँ पे तकड़े सिस्टम लगे हुए हैं, आगे 0 पॉइंट है और आर्मी के बंकर भी है, और यहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है भाई, वो सामने के साइड में, अच्छा उस वाले उसका क्या नाम है, ग्लेशियर का क्या नाम है, ये तो चांगो गांव ऊपर है, बर्फ में नहीं वो बर्फ वाला है ना, वो कौन सी जगह है, उसका क्या नाम है वैसे, इसका नाम तो पता नहीं क्या बोलते हैं। अच्छा, और इस मोनेस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताओ ना। मोनेस्ट्री तो चांगोपुर ही बोलते हैं। हाँ हाँ, इसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है उसको शंभुकाय बोलते हैं, शंभुकाय बोलते हैं, बीच में धर्माकाय और सबसे नीचे वाला निर्माणकाय। अच्छा ठीक है, सबसे नीचे अच्छा, वाले में आचार्य पद्म सम्भव का मूर्ति होगा, बीच वाले में अवलोकेश्वर का, सबसे ऊपर समन्वय मंदिर। अच्छा, इस ये जो मम्मी है ये कितनी पुरानी है, क्या है इसका थोड़ा सा, ये तो आप मम्मी के वहाँ आगे मोड़ लगा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पढ़ लें, ठीक है। उसमें अच्छा, ये वैसे यहाँ कोई लामा जी की है या फिर यहाँ कोई ऐसे नॉर्मल मान लो कोई इंसान की है, वो तो पहले मॉन्क थे ना। अच्छा मॉन्क थे वो, पहले मॉन्क थे यहाँ के। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ये तो बहुत ही अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर बनती है पहाड़ों पे, ये जो बन रही है ये हवा से बन रही है ना, हवा ये हवा से बनती है। अच्छा, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा अभी, अल्टीट्यूड हाइट 10-11 हजार कम, हाइट तो लगभग 12,000 कुछ कुछ, 12,000 कुछ कुछ है। ओके, तो ये है गियो मोनेस्ट्री। मैंने इनसे बोला कि यहाँ मेरे को ड्रोन उड़ा सकता हूँ क्या, लेकिन इन्होंने बोला यहाँ पे 0 पॉइंट बिल्कुल ही पास है, ये जो पीछे का माउंटेन है उधर चाइना है। वो सामने के साइड में जो आपको पीक्स दिख रही है ना, वो वाली पीक्स, वो भाई बहुत तगड़ी स्नो में ढकी हुई है, और यहाँ रखी गई है वो मम्मी जिसके बारे में हम अभी जानेंगे हिस्ट्री, ये जान सकते हैं, और अभी गेट ओपन है, हम चलते हैं अंदर। ये है वो मम्मी जो 500 साल पुरानी है, जिसके बारे में बाहर लिखा गया है, और सबसे पहले तो हम नमन करते हैं और इस मम्मी का आपको दिखाते हैं, इनके दांत आज भी पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर, और इसको कुछ ज़्यादा किसी चीज़ में लपेट के नहीं रखा, और हाथ और नेल्स देख सकते हो, इसमें नाखून है ना आप देख सकते हो, नाखून आज भी पड़े हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक है भाई, बहुत यूनिक है। तो ये वो पवित्र मम्मी है, और ये है लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू, और यहाँ रखी गई है मम्मी, मम्मी हम देख के आ चुके हैं, ये है मोनेस्ट्री। इस विलेज में कोई भी नेटवर्क नहीं आता है किसी भी चीज़ का, कोई भी सिम नहीं चलता है इधर, ये सबसे बढ़िया बात है, अगर आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है कोई भी चीज़ है तो आप यहाँ आके रह सकते हैं।
गुरुपद में संभव हुआ। अच्छा, गुरुपद में संभव हुआ। अच्छा। हम लोग जो हिमालय रीजन में इनको सेकंड बुद्धा के उसमें मानते हैं। अच्छा, सेकंड बुद्धा के। इन्होंने हिमालयन जितने भी हिमालय बुद्धिस्ट का प्रचार किया इन्होंने किया था। अच्छा, गौतम बुद्ध तो तिब्बत गए नहीं थे। अच्छा, हाँ जी, भूटान गए नहीं थे, नेपाल गए नहीं थे, इन्होंने प्रचार किया। हमारा मानना है कि सेकंड बुद्ध ही। अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यह मोनेस्ट्री ग्यू मोनेस्ट्री जो अभी 2004 में बना है, ये अगले साल यहाँ का मूर्ति जो है जो प्रतिष्ठापित हो जाएगा। ग्यू का गवर्नमेंट स्कूल है जो 1959 में बना है, वो देखो वहाँ पे लिखा हुआ है। तरीके के घर है ग्यू में, बहुत पुराने हाउसेस बने हुए हैं, आप देख सकते हो। इधर पशुओं को रखने की भी जगह है, लेकिन यार यहाँ ना ये चीज मैं कह रहा था, ये देखो गाय है ना, गाय को ना नाक से बांध के रखते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, क्योंकि मैं किसी भी तरीके की इन ऐसी चीजों में नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी यार थोड़ा सा बुरा लगता है एनिमल को लेके, भाई नाक से तो नहीं बांधना चाहिए। ऐसा ही मनाली में है, मनाली में भी जो याक होते हैं उनको नाक से बांधते हैं। और ये देखो यहाँ पे पानी का कुछ बना हुआ है सोर्स, आप देख सकते हो इधर भी है, ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे घास है, बहुत बढ़िया लग रहा है व्यू। और अभी निकल रहे हैं हम वापस काजा की तरफ। सौ किलोमीटर दूर जब भाई मिलते हैं तो क्या होता है भाई? भाई यही तो बात है ना, देख लो पंजाबी मुंडे किता। लॉर्ड बुद्धा की एक स्टैचू है, देख सकते हो आप, और वहां जाने का रास्ता है ये ऐसे ऐसे करके, और इधर घोड़े हैं ये अपने सचिन भाई, और आगे हैं पीछे की तरफ मैं बैठा हूँ गाड़ी के अंदर। ऐसी एक स्टैचू है ना जो लांगजा में, ये तो लरी नाम की जगह है, तो आगे चलते हैं। तापो नाम की जगह आ गई है और हम जा रहे हैं काजा। यहाँ से काजा है 46 किलोमीटर, यानी करीब एक घंटा प्लस थोड़ा सा टाइम लगेगा ऊपर। कलर का बिल्कुल गोल्ड जैसा दिखाई दे रहा है वो है स्नो माउंटेन, देख सकते हैं आप। और ये देखो आप, ये इस तरीके की मतलब शेप है ना, कितना मतलब ऐसा लग रहा है कोई राजा का महल हो, और ये उसका मेन द्वार है। और नीचे की तरफ ये रिवर चल रही है बहुत ही तेज बहाव के साथ में, शायद ये स्पीति रिवर है। और ये अपनी थार खड़ी है, थार पहुंची हुई है इस जगह पे। आई लव स्पीति। तो एवरीबॉडी बात हो गई है, ये लोग बोल रहे हैं आपको डीजल दे देंगे, लेकिन सुबह 8:30 से 9 बजे के आसपास देंगे। तो मैं सुबह आऊंगा, इन लोगों ने बोला है कि आपको करीब 2500 का डीजल दे देंगे, तो कम से कम 27-28 लीटर डीजल तो होपफुली आ ही जाएगा। ये हम पहुंचे हैं जोस्टल में, जोस्टल काजा, एक बार देखते हैं यहाँ, बंक बेड भी देखेंगे, दोनों ऑप्शन देखेंगे। भाई बंधु वाली है ये रहे, सारे यही है भाई, ये देखो सारे के सारे। हम रुक रहे हैं अभी हॉस्टल में, हॉस्टल बाहर का बार यार, सबसे बढ़िया बाहर का बार है ना, यही चीज चाहिए थी। ये अपने भाई जयपुर से है, नहीं नहीं यार भाई जयपुर में तो ये मजा आ गया। ये है कि जयपुर टू जयपुर हो गया कनेक्शन, यही तो अभी एक बार स्टे करते हैं, इनकी हालत बहुत खराब हो रही है यार, आप देख सकते हैं। भाई सचिन सुंदर बहुत लग रहा है फ्रेम में, कसम से ये मिट्टी के साथ बहुत सही कंट्रास्ट हो रहा है।